वेलकम टू फ्लाई हाई हिस्ट्री दोस्तों, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक आ गया है। तो दोस्तों जो है आपका जो सीरीज चल रही किसकी है, रीजनिंग की है। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक आ गया है, देखिए बोला क्या है। उस समूह को चुनिए, उस समूह को चुनिए जिसमें संख्याएँ उसी तरीके से संबंधित हैं जिस तरीके से निम्नलिखित समूह संख्याओं से संबंधित हैं। ठीक फ्रेंड, तो साथियों आपको देखो जो है ये आपका दोस्तों दिया है या नंबर दिए हैं। ठीक है, आपको नंबर दिए गए हैं। और बड़े दोस्तों जो आपको देखो विकल्प ए बी सी आपको चार विकल्प दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों जो इसका संबंध फाइंड करना है, इसका जो है संबंध सभी विकल्पों से मैच कराना है कि जो है कौन संबंध जो बना रहा है। ठीक, तो इस संबंध को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो दोस्तों कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर फ्रेंड हम जो है देखो 240 और 270 में अगर हम 15 का डिवाइड करें, क्या करें 15 का डिवाइड करें तो जो है पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, अगर दोस्तों देखो हम 240 लिखते हैं, ठीक 240/15 करते हैं, देखो तो 15 कई हम 15 हो जाएगा, बचेगा आपका 9, तो 15 6 हाँ 8 9 या ठीक, जो आपका हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड इसी प्रकार से जब 15 को आप 270 काटोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपका जो है ये भी पूर्ण रूप से विभाज्य जो हो जाएगा। ठीक, तो यही जो है दोस्तों यही जो लॉजिक है आप विकल्प ए बी सी डी में लगाएंगे, फिर जो आपका सही होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो फ्रेंड देखो जो है क्वेश्चन नंबर दो पे चल रहे हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर दो? नहीं दोस्तों जो है आपका देखो इसे कैसे चेक करना है, जो आपका विकल्प है देखो 8 9 72, देखो आपका 8 से डिवाइड हो गया। ठीक, फिर 8 10 82, देखो ये आपका जो है 8 से डिवाइड हो गया। अब अगर दोस्तों विकल्प भी देखेंगे, देखो ये आपका जो है 10 10 ये मान लो आप 10 डिवाइड करते हैं तो आपका देखो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, ये तो हो जाएगा लेकिन जो आपको 135 होगा ये नहीं होगा। ठीक फ्रेंड, तो दोस्तों मैं एक बार बोर्ड को साफ कर देता हूँ, अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्लीन रूप से। देखो फ्रेंड हम लोग फिर से विकल्प ये चेक करते हैं, देखो आप जो है 72 चेक करते हैं, 72/8 करते हैं, देखो तो कितना बार गया 8 9 72, कितने बार गया 9 बार गया। फिर देखो साथियों अब आपको 80/8 करेंगे तो 8 10 80, देखो ये आपका जो पूर्ण रूप से कट गया, तो आपका जो विकल्प तो यही मिल गया, जो आपका लॉजिक है यही काम कर गया। और फिर देखो आपको डाउट है तो बी चेक कर लेते हैं, देखो बी कैसे करेंगे दोस्तों, जो आपका 10 होगा 110 में और 135 में सभी जो आपका जो है डिवाइड करना होगा। ठीक, तो फ्रेंड देखो कैसे करना आपको डिवाइड, मैं बस बोर्ड क्लीन कर दिया। अब देखो 110 को आप डिवाइड करते हैं, 10 करते हैं, ये तो आपका जो है कट जाएगा। ठीक, आपका जो है 11 आ जाएगा। लेकिन साथियों जब आप 135 को डिवाइड करोगे, 135/10 करोगे तो जो आपका ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, देखो 10 के 9 10 हुआ और बचा कितना 3 हुआ, फिर अच्छा 35 हो जाएगा, 10 3 31 हो जाएगा, अर्थात 13 आएगा, जो है पूर्ण रूप से नहीं कटा। ठीक, तो फ्रेंड जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए आपका जो है राइट आंसर होगा, बाकी आपका बी और डी और आपका सी जो है ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक जो है कंप्लीट हुआ, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दो पे। कौन से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दो पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर दो आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर दो। बोला क्या है, उस अक्षर को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक फ्रेंड, तो देखो आप देखो आपको दी है सीरीज, W से C, C से T, E से Q, Q जिस G, G से जो है क्वेश्चन मार्क्स, फिर ये आपका I है। ठीक, तो आपको जो पता करना है इस क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे क्या आएगा। ठीक, तो फ्रेंड इसमें जो है देखो दो लॉजिक चल रहे हैं, कैसे आप फ्रेंड देखेंगे, W से T जाओ, T से Q जाओ, Q से यहाँ तक जाओगे जो है तब आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर आप सी से ई तक जाते हैं, ई से जी तक जाते हैं, फिर आई तक जाते हैं तो आपको आंसर इससे जो है नहीं मिले। क्यों नहीं मिले दोस्तों, आपको यहाँ फाइंड करना है, आपको यहाँ फाइंड करना है, कहाँ यहाँ फाइंड करना है। ठीक, तो फ्रेंड देखें कैसे करते हैं फाइंड, W से T तक जाते हैं तो कितना जा रहा है, देखो इसमें जो है W से T तक जाते हैं तो -3 चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें -3 चल रहा है, देखो UV W। ठीक, फिर आप जो है T से Q तक जाएंगे, देखो यहाँ भी जो आपका -3 चल रहा है। ठीक, फिर आप जो क्यू से यहाँ तक जाएंगे -3, इसमें से आप घटाएंगे, अर्थात जो आपका क्यू होता है ये आपका 17 होता है, 17 में 3 घटाएंगे तो आपका जो है 14 आएगा। क्या आएगा तो 14 दोस्तों, अब जो 14 आता है क्या आता है, यन आता है, क्या आता है 14 आपका यन आता है, अर्थात जो आपका विकल्प सी होगा राइट होगा। ठीक, जो फ्रेंड नए होंगे दोस्तों जो थोड़ा सा उनको समझने में परेशानी होगी, तो जो है ABCD आप पता होगा जिसके लेटर होते हैं, इसको काउंट करके जो है इनके जो है नंबरिंग दी हो, जैसे एक ए का एक है आपका, बी का दो है, सी का 3 है, इसी प्रकार जो है सबका नंबर दिया रहेगा। ठीक फ्रेंड, तो साथियों फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, तो फ्रेंड आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है और आ भी चुका है।
तो सर देखो आप समय क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, ठीक। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, देखो उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक फ्रेंड। तो साथियों आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। आप जो है टी से डब्ल्यू गए हैं, यू वी डब्ल्यू कितना गया, +3 गया, ठीक। अब जो है डब्ल्यू से जेड जाएंगे, एक्स वाई जेड कितना गया, +3 गया, कितना गया, +3 गया। फिर देखेंगे जो है आप जेड से सी जाएंगे, ए बी सी कितना गया, +3 गया, ठीक। अब जो है सी से +3 जाएंगे, डी ई एफ कितने गए, आप जो है +3 गया, ठीक। तो आपका दोस्तों जो +3 होगा यहाँ क्या होगा, पहले एफ होगा, एफ होगा। तो फिर देखेंगे आपका खाली विकल्प सी और विकल्प डी जो है एफ से शुरू होने आंसर है, बाकी आपका ए रॉन्ग हुआ, बी आपका रॉन्ग हुआ, ठीक। अब देखो अब जो है जेड से सी तक जाओ कितना चल रहा है, जेड से सी हो ए बी सी, इसमें जो आपका +3 चल रहा है, क्या इसमें आपको जो है +3 चल रहा है, ठीक। फिर जो है सी से एफ तक जाएंगे, डी ई एफ देखो इसमें जो है आपका +3 चल रहा है, कितना चल रहा है, इसमें जो आपका +3 चल रहा है। फिर आप जो है एफ से आई तक जाएंगे तो इसमें आपका +3 चल रहा है। फिर आप जो आई से यहाँ तक जाएंगे इसमें आपका +3 चलेगा। तो साथियों अगर आप आई में 3 अर्थात +3 में जोड़ते हैं तो आपका 9 3 12 होगा, अर्थात देखो आपका एफ एल हो जाएगा, क्या हो जाएगी, एफ एल। तो फ्रेंड आपको देखो खाली विकल्प सी जो है आपका मिल रहा है आंसर, बाकी आपका जो है डी आपका रॉन्ग होगा, क्यों कि देखो आपका एफ के दिया है, एफ के दिया है, ठीक। तो फ्रेंड जो इसका आंसर सही होने वाला है आपका जो है सी सही होगा, कौन सा आपका जो है सी आपका सही होगा, जिसमें जो है +3 +3 का लॉजिक चल रहा है, पूरा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आपको आंसर मिल जाता है तो आप जो वहीं से क्वेश्चन को टिक करके आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं फ्रेंड। तो साथियों आपके सामने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कौन से क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, देखो दोस्तों इसमें करना क्या है, बोला है एक कूट भाषा में कॉस्ट को ये एक्स एल एच जी के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा को डेयर तथा बोला क्या है डी ए आर को कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो फ्रेंड आप क्या कुछ देखो क्या ये है अपोजिट लिखा है, अर्थात देखो दोस्तों सी का अपोजिट यक्स है, ओ का अपोजिट यल है, एस का अपोजिट जो आपका एच है, टी का अपोजिट जो आपका जी है, कैसे आप अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो 27 में से घटाना है कौन सा लेटरों को। तो फ्रेंड जो देखो आपका जो सी होता है ये आपका 3 होता है, 27 में आप 3 घटाएंगे तो आपका जो है कितना आएगा, 24 आएगा। तो देखो आपका जो है 24 क्या होता है, यक्स होता है, देखो यहाँ यक्स दिया है, ठीक। अब देखो आप जो ओ है आपका, ओ जो है वो आपका 15 होता है, तो आप एक काम कीजिए 27 में से 15 घटाएंगे, जो आपका दूसरा लेटर है आपका यल है, आप प्राप्त हो, क्यों देखो 7 में 5 गया 2, 2 में से 1 गए 1, था देखो 12 हो गया, ठीक। तो आपको दोस्तों करना क्या है, किसी का अपोजिट निकालना है, तो आप जो है 27 में से उन लेटरों को घटाएंगे तो आपका जो है अपोजिट मिल जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड यही लॉजिक जो आप जो है इसमें लगाएंगे डेयर मतलब जो आपका डी ए आर ई है इसमें जो यही लॉजिक लगाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड देखो कैसे आपका जो डी होता है ये 4 होता है, फिर 27 लिखिए, 27 में से फिर 4 घटाइए, फिर 4 घटाएंगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा ना, नहीं, कितना आपका 23 आएगा, क्या आएगा आपका 23 आएगा, 23 आपका क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो फ्रेंड देखो डब्ल्यू खाली आपका बी और डी शुरू होना, बाकी आपका सी रॉन्ग ए रॉन्ग हुआ, ठीक। और इसी क्रम में दोस्तों अब देखो ए का उल्टा क्या होता है, अर्थात ए का अपग्रेड क्या होगा, तो जो है आप 27 में से ए को घटाएंगे, 27 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 27 में से अगर आप एक घटाते हैं तो आपका क्या आएगा, 26 आएगा, क्या आएगा 26, तो आपका देखो 26 क्या आता है जेड आता है, क्या आता है जेड आता है। तो आप देख रहे दोस्तों जो आपका विकल्प बी है डब्ल्यू जेड शुरू हो रहा है, बाकी आपका डी जो है डब्ल्यू वाई शुरू हो रहा है, ठीक। तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक, अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो, ठीक। तो साथियों जो आपका आंसर में कौन सा सही होगा, बी आपका जो है राइट आंसर होगा, कौन सा बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, बोला क्या दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन सेशन का है, बोला क्या है देखो, उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक फ्रेंड। देखो ये दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क्स है ये आपका क्वेश्चन मार्क्स है, बाकी आपका विकल्प ए बी सी डी दिया है तो आपको फाइंड करना है, ठीक। तो अगर आप 32 से यहाँ 39 तक जाते हैं तो उसमें कितना चल रहा है, +7 चल रहा है, आप 32 से कहाँ तक जाएंगे 39 तक जाएंगे तो आपका +7 चल रहा है, ठीक। फिर 39 आप 53 तक जाएंगे तो आपका देखो इसमें +14 चल रहा है, कितना चल रहा है, +14 चल रहा है, ठीक। फिर आप जो है, हाँ ठीक है ठीक है, आवाज़